है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में, और आज हम डिस्कस करेंगे यूके SSSC का, जो अभी 29 तारीख को अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जीबी पंत यूनिवर्सिटी में, तो उसका हम पेपर डिस्कस करेंगे आज। ये इम्पोर्टेंट है पेपर HPSSC जो अकाउंटेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जो हमारा HPSSC हमीरपुर के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो अकाउंटेंट के लिए, उसके लिए तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टोटल डेटर अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू नो। जो हम डेटर का अकाउंट बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट सेल। जो भी हमने उधार पर माल बेच रखा होता है उसका पता लगाने के लिए कि इससे हमें कितना पैसा लेना है, तो उसके लिए हम डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है ऑन सीजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर द बैलेंस ऑफ द एसेट्स अकाउंट ट्रांसफर टू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हायर वेंडर अकाउंट। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है 91 डेज, दूसरा है 364 डेज, और सी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय। तो जो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट है जीरो वेस्ट बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन। तो ये यूज़ की गई थी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1970 में, और जिमी कार्टर ने इसे द्वारा यूज की गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटीज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ए प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एलन। नेक्स्ट जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ अडेमनिटी अप्लाइज इन। तो इसका जो राइट आंसर है ये मैरिन एंड फायर इंश्योरेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है 11th का वो है प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑन डिसऑनर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक्सेप्टिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12वीं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ लिफो मेथड इज सूटेबल एट। तो राइजिंग प्राइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इन टू फोर्स। तो 1930 में इसका इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ सेट्स इंक्लूड। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ सेट्स, वेरीफाइंग द सेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है द सिलेक्शन सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज। तो सेक्शन 27 इसमें डील करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की ऑफ परचेज वाउचर इन टैली। तो F9 है इसका, F8 है सेल्स का, F7 है आपका जर्नल का। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं।
होल्डिंग कंपनी मीन्स, तो होल्डिंग कंपनी होती है जिसके पास 50% 51% जो शेयर्स होते हैं अदर कंपनी के, तो वी एफ का राइट आंसर है. नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं हम वेरियंस. ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो 1 जुलाई 1949 इसका राइट आंसर है. और इसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है वो है 1961. कई बार ये भी पूछा जाता है तो ये आप ध्यान में रखिए. तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस तरह की वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो. धन्यवाद.